नमस्ते, देखते हैं आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। ठीक है, आप दोनों की ट्रू करंट फीलिंग जानने की हम कोशिश करते हैं। जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। कोशिश करते हैं जानने की कि आपके पर्सन और आपके दोनों की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। देखते हैं, पहले आपके लिए कार्ड निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। ये आपके पर्सन के लिए है। देखो गाइज, आप इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे कि आपको ऐसा लगता है कि सपने तो आपके बहुत ज़्यादा है इस इंसान को लेकर, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। इस इंसान ने सिर्फ आपको सपने दिखाए हैं और अब जब उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ चुका है तो इंसान भाग रहा है। ऐसे कुछ आपकी फीलिंग्स है और आपके पर्सन आपको अपनाना चाहते हैं। जो आप फीलिंग ये सोच रहे हो ना कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल उससे उल्टा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है। जो भी लोग यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा नहीं, उसने सिर्फ आपको सपने दिखाए हैं और अब वो भाग गया है इस रिश्ते से आपसे, ऐसा नहीं है। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, वो आपको अपना बनाना चाहता है, अपनाना चाहता है। नंबर 21 आपके पार्टनर की बर्थडेट हो सकती है, नंबर 7 आपके बर्थडेट हो सकते हैं। नंबर 7, नंबर 21 ये आप दोनों के लिए खास हो सकते हैं। अब आपके लिए कार्ड निकालेंगे, ठीक है। देखो कैसे कार्ड उछल कर आ गया है, लव, और यहाँ पर है रेस्ट एंड रिकंसिडर। इतने सारे नहीं चाहिए, आपके दिल में बहुत प्यार है इस इंसान के लिए, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कार्ड नीचे भी गिर गया था उछलकर, इस कार्ड को आना ही आना है। आप ऐसा सोच रहे हो कि थोड़े दिन आप एक्शन नहीं लोगे, ठीक है, आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हो, आपको चाहिए इस इंसान की तरफ से एक्शन। आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना तो चाहते हो लेकिन अभी आप इस इंसान का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। नंबर 9, नंबर 7 रिकंसिडर, आप चाहते हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपके पर्सन के लिए एक कार्ड निकालते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतने ज्यादा सिंपल हो। गाइज, यहां पर बहुत लोग ऐसे ही है कि आप बहुत भोले हो, आपने हमेशा ही इस इंसान के ऊपर विश्वास किया है, ठीक है, और आपके पर्सन जानते हैं इस बात को कि आप कैसे हो। आप एकदम सिंपल पर्सन हो और आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। एक छोटा बच्चा कैसा होता है, मासूम। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यह है कि आप एक छोटे बच्चे जैसे मासूम हो और वो आपको अपनाना चाहते हैं, वो कदापि आपको छोड़ना नहीं चाहते। बॉटम में ये दोनों के एनर्जी है। नंबर 5, दोनों भी चाहते हो कि इस रिश्ते में बैलेंस आए और दोनों भी एक दूसरे से बहुत कुछ लेसन सीख ले हो। टीच का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर ने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपने भी उस इंसान से बहुत कुछ सीखा है। ये आप दोनों की एनर्जी है। तो देखो, ये आपकी एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। आपके पर्सन को पता है कि आप कितने भोले इंसान हो और वो आपको कदापि नहीं छोड़ना चाहते। वो आपके प्यार को, वो आपको अपनाना चाहते हैं। गाइस, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, क्लैरिफाई करे सारे कार्ड्स। देखते हैं क्या आता है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। गाइस, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि अगर आप एक लड़की हैं तो आपको लगता है कि इंसान सिर्फ आपकी बॉडी को पसंद करता है, ठीक है। ये इंसान ने आपको बहुत सारे सपने दिखाए लेकिन वो सारे झूठे थे, और ये इंसान सिर्फ आपकी खूबसूरती को पसंद करता है, आपकी बॉडी को पसंद करता है, और ये इंसान आपको इस्तेमाल करना चाहता है या ऑलरेडी इसने आपको इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे कुछ थॉट्स आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक गुस्से में हो, आप समझ में नहीं आ रहा है क्या करें आपको, और आपको ऐसा लगता है कि टाइम निकलता जा रहा है और इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। आप में से कुछ लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हो। ये आपकी करंट फीलिंग है कि आप चाहते हो कि इस इंसान की तरफ से खुद एक्शन आए, सब कुछ जादू की तरह ठीक हो जाना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपने इंतज़ार कर कर के आप थक चुके हो, अब और आपसे इंतज़ार नहीं होता है और आप खुद भी उस इंसान की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आप इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान की तरफ से एक्शन का। बॉटम में है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कोई ऐसी बातें हैं कि जिसके ऊपर आप बहुत खफा हो, बहुत नाराज़ हो, और कोई ऐसी भी बात है कि आप उस बात को क्लियर करना चाहते हो जल्द से जल्द।
गाइज मुझे यहाँ पर बहुत आप में से ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आपके मन में नाराजगी है और आप रिश्ते को और आप इस रिश्ते को ठीक तो करना चाहते हो लेकिन खुद एक्शन नहीं लेना चाहते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और कुछ लोग यहाँ पर, अगर आप एक लड़का है तो आपको अपने पार्टनर के लिए बहुत फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है हद से ज़्यादा। क्लैरिफाई करें यूनिवर्स प्लीज़, यहाँ पर एम्प्रेस क्यों है। टू ऑफ वांड्स, देखो आपके पर्सन जो एनर्जी मैंने यहाँ पर निकाली है, देखो इसको जब हमने क्लैरिफाई किया तो सेम एनर्जी आ चुके हैं, देख रहे हो सेम टू सेम। तो ये आप देख रहे हो कि इस इंसान की ये फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है कि इंसान आपको पाना चाहता है, वो इंसान आपके लिए बहुत सपने देखता है, वो आपको अचीव करना चाहता है, उसकी विश है आपको पाना। इच्छा पूर्ति का कार्ड है टू ऑफ वांड्स, इस इंसान की इच्छा है आपको पाना और वो आपको पाने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग भी कर रहा है। राशि है एरिज, लियो, सैजिटस, यूनिवर्स गाइड करे यहाँ पर सिंपली लव क्यों है। सिंपली लव द हायरोफंट की एनर्जी है गाइस। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं आपके बारे में शादी को लेकर, ठीक है। अगर आप चाहते थे कि इंसान अपने घर वालों से बात करे तो यह आपकी विश कंप्लीट होने जा रही है क्योंकि इस इंसान के दिमाग में अभी वही थॉट्स चल रहे हैं कि वो अपने परिवार से आपके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पार्टनर के पास दो दो ऑप्शन हैं तो इस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप कितने सिंपल हो, आप कितने जेन्युइन हो, आप कितने लॉयल हो और तभी वो आपको सिलेक्ट करना चाहता है, चूज करना चाहता है। अगर वो अपने परिवार से बात नहीं कर रहा तो ये खुशखबरी है कि ये पर्सन अपने परिवार से शादी को लेकर बात करने वाले हैं। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। आप तो मुझे बड़े नाराज दिखाई दे रहे हो, आपके लिए कार्ड निकालते हैं, आप किस एनर्जी में हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, वापस वही एनर्जी, आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपको सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको ये भी बड़ी परेशानी हो रही है कि इसके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो कब दूर होंगे, ये कब आपको कमिटमेंट देगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको अपने करियर के लिए खुद से अलग कर दिया था, वो इंसान कुछ करना चाहता था, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहता था, तो आपको वो सारे ख्याल आ रहे हैं कि क्या ये इंसान आपको अब सिलेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो टू ऑफ पेंटिकल्स और वापस यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, ठीक है, आप इस इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपकी करंट फीलिंग है और आप चाहते हो कि इंसान आपको ऑफर करे। राशि है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप चाहते हो कि किस्मत का पहिया घूमे, सब कुछ ठीक हो जाए, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है आपके लिए। गाइज यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप परेशान हो गए हो इंतज़ार कर कर के, अब सब्र नहीं हो रहा है, अब न्यू बिगनिंग आप चाहते हो और जल्द से जल्द चाहते हो कि आपको ये वक्त बदल जाए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है देखते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आजकल आप बातें छुपा रहे हो, आप कुछ भी शो नहीं करते हो और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इंसान 3D लेवल से ऊपर आपके लिए फील कर पा रहा है। फोर ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो खुद होकर आएगा तो आप उसको रिजेक्शन दे सकते हो, ऐसी कोई पास्ट में बातें घटित हुई है कि उसको रिजेक्शन का डर लग रहा है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो इंसान आपको कॉल तो करना चाहता है, मैसेज भी करना चाहता है अभी इसी वक्त, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है इसके बारे में कि कॉल करूँ कि नहीं करूँ, इसका कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, क्या आप रिजेक्ट कर दोगे। देखो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस इंसान को क्या लगता है कि आपके मन में क्या चल रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप हाइड कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, उसको लगता है कि वो आएगा और आप उसको रिजेक्शन दे दोगे। ये इंसान कॉल मैसेज करने के बारे में अभी इस वक्त सोच रहा है, ठीक है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आप इनकार करोगे, उसको ऐसा लगता है कि कॉल मैसेज करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इस एनर्जी में आपका पार्टनर आ चुका है कि वो देख रहा है, इस बात को समझने की कोशिश कर रहा है कि अगर वो कॉल मैसेज करता है तो क्या आप उसको उससे बात करोगे, उसको लगता है कि आप तो रिजेक्शन दोगे। आपके पार्टनर की एनर्जी पता है कैसी, कि उनको आपको पाना भी है, आपको हासिल भी करना है, इस रिश्ते में आगे भी बढ़ना है, आपसे बात भी करनी है और ऊपर से रिजेक्शन का डर भी है, लेकिन पहले से इंसान बहुत अब पॉजिटिव एनर्जी में आ चुका है कि वो आपके लिए लड़ने के लिए भी तैयार है, अपने घर वालों से बात करने के लिए भी तैयार है। और आप किस एनर्जी में आ रहे हो पता है कि आपको निगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा घेर रहे हैं,
आपको लगता है कि नसीब का साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये इंसान आएगा नहीं, ऑफर करेगा नहीं, जबकि आप खुद चाहते हो कि इंसान वापस आए, ठीक है, तो पॉजिटिव सोचने में क्या हर्ज है, ठीक है। आपको अगर लगता है इसके पास दो दो ऑप्शन है तो कोई टेंशन नहीं है, इसका परिवार अगर दूसरा ऑप्शन है, इसका करियर अगर दूसरा ऑप्शन है, तो ये इंसान आपको ही चुनने वाले हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि इंसान लगातार आपके बारे में सोचा जा रहा है। वो तो मुझे आपसे भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आप तो भी मुझे थोड़े निगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपके पर्सन सिर्फ एक डर है उसको कि आप उसको रिजेक्शन दोगे, इस डर के अलावा वो इंसान सब मुझे पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, एम्ब्रेस करना चाहते हैं, प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं, उस इंसान को आपका प्यार समझ में आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है आपके अलावा, आपसे ज़्यादा, ठीक है। और आप तो मायूस हो रहे हो, नाराज हो रहे हो, और आपको लगता है कि जल्द से जल्द सर्ड ऑफर मिले, लेकिन जो ऑफर मिलेगा तो उसके ऊपर आप विश्वास भी नहीं कर पा रहे हो, तो जो चाहते हो उसके ऊपर विश्वास तो करो कि ये होगा, ये मिलेगा, ठीक है। दोनों की सेम म्यूचुअल फीलिंग देख लेते हैं, दोनों की सेम फीलिंग इस वक्त क्या है, आपके पर्सन और आप दोनों की सेम फीलिंग इस वक्त क्या है। ओह माय गॉड, दोनों भी एंजाइटी से गुजर रहे हो गाइस, दोनों को भी परेशानी है, दोनों भी नाराज हो और एंजाइटी जैसे कि दोनों को भी हो रही है। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दोनों की सेम फीलिंग, आपके पार्टनर को भी लगता है कि जल्द से जल्द सिचुएशन बदलनी चाहिए और आपको भी लगता है। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप दोनों के रिलेशन के बारे में कोई गलत चर्चा कर रहा है और इस वजह से भी आप दोनों बड़े नाराज हो। क्वीन ऑफ कप्स, दोनों भी एक दूसरे से भर भर के प्यार देना चाहते हो, दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। यहाँ पर लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, दोनों को ऐसा लगता है कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, बातें छुपा रहा है। आपके पार्टनर को देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही एनर्जी आई है, आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप उनसे झूठ बोलते हो, आप उनसे बातें छुपाते हो, और आपको भी सेम एनर्जी, आपको भी लगता है कि आपका पार्टनर आपसे बातें छुपा रहा है, वो कुछ सच नहीं बोलता है, ऐसी वाली एनर्जी है। ट्रस्ट इशू रहे हैं इस रिश्ते में, दोनों की सेम फीलिंग, दोनों भी एक दूसरे को कॉल मैसेज करना तो चाहते हो, ठीक है, लेकिन खुद होकर आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आपके पार्टनर को तो रिजेक्शन का डर है और आप उस इंसान का इंतजार कर रहे हो, जबकि दोनों भी एक दूसरे से बात करने के लिए तड़प रहे हो, दोनों भी चाहते हो कि जल्द से जल्द सामने वाले का कॉल आए, मैसेज आए, आप भी इंतजार कर रहे हो उस इंसान के कॉल मैसेज का और वो इंसान कर रहा है इंतजार आपके कॉल मैसेज का, और दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इमोशंस गहरे होते जा रहे हैं, ये आप दोनों की सेम फीलिंग है। और बॉटम में देखो वापस क्वीन ऑफ कप्स, ये दोनों की सेम फीलिंग देख रहे हो आप, दोनों को भी एक दूसरे की कितनी केयर हो रही है और दोनों के भी दिल में एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा इमोशंस है, ये आप दोनों की सेम फीलिंग बता रहे हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, आपके भी दिल में उसके लिए प्यार है, उसके भी दिल में आपके लिए प्यार है। गाइस, आपने जो सपने देखे हैं ना, उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाने की आवश्यकता है आपको। टॉरस राशि हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, ये ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस है, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं है, और आपको अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अपने ईगो में आकर, अपने एटीट्यूड में आकर कुछ खुद का ही नुकसान कर रहे हो, तो सोचो परखो। लियो राशि हो सकती है, एक्वेरियस हो सकते हैं, आपको ये जो रिश्ता है इसमें प्यार लेकर आने की ज़रूरत है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत गुस्सा कर रहे हो, नाराज़ हो रहे हो, अपने पार्टनर के ऊपर नाराज़ हो रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, प्यार से हैंडल करना है, प्यार से बात करनी है। पर्सनल इशू, जो कुछ भी आपके पर्सनल इशू है बहुत जल्द वो सॉल्व होने वाले हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है। कैंसर राशि हो सकती है आप में से कुछ लोग, एक्वेरियस हो सकते हो, और बॉटम में है यू एंड योर लव वन आर सेफ। अगर आपको अपनों की चिंता हो रही है, ठीक है, वो चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपके घर वाले हैं, जो भी आपके दिल में रहते हैं, जो आपके करीब हैं, जो उनकी चिंता आपको अगर हो रही है, तो आपके लिए मैसेज है कि आप भी सेफ हो और आपके घर वाले या जो भी आपके दिल में रहते हैं, जो आपके करीबी हैं, वो सारे सुरक्षित हैं, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
ओके, तो ये थी एनर्जी, आप दोनों की करंट फीलिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।